ये लेप लगाने से बाबूजी को आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब आ चुके। अब तू अपनी ना ये गवार डॉक्टरी झाड़ना बंद कर। ये सब किसने किया? इस बिंदी ने किया डॉक्टर साहब। हमने इसे कितना मना किया, इनफैक्ट मम्मी जी ने भी मना किया, लेकिन इसने अपनी गवार डॉक्टरी के चक्कर में ना पापा जी की जान ले ली। जान ली नहीं है, बल्कि इन्होंने जान बचाई है। बचा पाएगी बाबूजी की जान। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्ला परिवार के बीच सैम, सैम की मॉम और बिंदिया जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शांति यानी कि सैम की मॉम देख लेती है, परख लेती है कि बिंदिया की तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बोलती है बिंदिया से, जिस घर में तुम्हारी इज्जत ही ना हो उस घर में जाने का फायदा क्या है, चलो तुम हमारे साथ चलो। हमें बाबूजी को ठीक कर देना, हमें माँ, हमें बाबूजी को ठीक कर देना। दूसरी ओर से तभी जो है बाबूजी के सांप काट लेता है, सांप उन्हें डस लेता है और ऐसे में यहाँ पर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं बिंदिया, सैम और उनकी मॉम की यहाँ पर तो बाबूजी नीचे गिरे हुए हैं। अब बिंदिया जो है अपनी सूझबूझ से कोशिश करेगी बाबूजी को होश में लाने की, उनका जहर कम करने की, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। यहाँ पर जो है पायल से कहती है बिंदिया, जाओ मैं जैसे जैसा कह रही हूँ वैसे वैसे करो। पायल उनकी बात मानती नहीं है और यहाँ पर जो है कहती है, क्या तुम डिग्री चिरैया से लेकर आई हो, मैं क्यों तुम्हारी बात मानू। यहाँ पर बिंदिया कहती है अगर तुम चाहती हो कि कुछ गलत ना हो तो जाओ जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। फिर सैम भी बोलता है तो पायल यहाँ पर मान जाती है। दूसरी तरफ बाबूजी के लिए डॉक्टर भी बुलाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उनकी जान बचा पाएंगे या फिर नहीं, बिंदिया कुछ हेल्प कर पाएगी या फिर नहीं, ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां पर सैम और बिंदिया की शादी की खबरें भी सामने आ चुकी है और क्रिश का जलना तो तय है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।